उत्तर प्रदेश के जिला वाराणसी में साल 2006 में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के आरोपी वली उल्लाह पर गाजियाबाद की अदालत का आज फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि वली उल्लाह पिछले 17 साल से जेल में बंद है। फिलहाल उसको गाजियाबाद की डासना जेल में रखा गया है। 7 मार्च 2006 में वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन और संकट मोचन मंदिर के सिलसिलेवार में बम धमाके हुए थे। इसमें 18 लोगों की मौत हुई और 35 से ज़्यादा घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने 5 अप्रैल 2006 को प्रयागराज जिले के फूलपुर गांव निवासी वली उल्लाह को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि पुलिस ने वली उल्लाह से AK-47 और RDX बरामद दिखाया था। पुलिस ने दावा किया था कि संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी पर धमाके की साजिश रचने में वली उल्लाह का हाथ था। पुलिस ने वली उल्लाह के संबंध आतंकी संगठन हुजी से भी बताया था। इतना ही नहीं, वाराणसी पर धमाके जैसा दाग लगने के बाद वह अधिवक्ताओं से वली उल्लाह का मुकदमा लड़ने से भी मना कर दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर यह मुकदमा गाजियाबाद के लिए ट्रांसफर हुआ था। 23 मई को जिला न्यायाधीश जितेंद्र सिन्हा की अदालत में इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने फैसले के लिए 4 जून की तारीख लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।